हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। कई लोग ने, बहुत लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि इस पर भी वीडियो बनाओ, और मैंने वीडियो अपलोड किया था एक्सेस कैपिटल पे, फिर भी बहुत लोगों का कमेंट आया था कि इसके ऊपर कि आगे का आपने बनाया नहीं, इसके ऊपर वीडियो अपलोड करो। तो मैं अपलोड करने वाला था, बट मेरे पास टाइम शेड्यूल नहीं था, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मैं जो वीडियो का आपका जो क्वेरीज था कि मैं आप इस वीडियो में आपका सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो को मैं इसमें बताया था कि आपको एक्सेस कैपिटल क्या है करना है, ऑर्डर पेमेंट क्या करना है। जैसे कि आपको वही सम में लिया हूँ जो आप में सम डिस्कस किया था, आप मेरे चैनल पे आके सर्च कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक रख दूँगा, और वो वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा कि आपको दोनों देख लीजिए। ठीक है, ये सम था, और इस समय मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बताया था और ऑर्डर ऑफ पेमेंट बताया था। ठीक है, और आगे का एक स्टेटमेंट अपना बाकी था, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत लोग का डाउट था और बहुत लोगों ने कमेंट किया था, बार बार कमेंट कर रहे थे कि इस पर वीडियो आप बनाए नहीं हो, आपका लिंक कहाँ पर है। तो उसके लिए आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। जो भी अभी आपका एग्ज़ाम आई थिंक हो भी रहा है, और आई थिंक चालू भी होने वाला है बैफ का, तो इसका एग्ज़ाम बाकी है। तो आई होप ये वीडियो आप देखो, और आपको स्टार्ट एंड देखना है वीडियो। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे एक भी मिस्टेक हुआ तो वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेमेंट ऑफ ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ क्या होता है। ठीक है, चलिए, मैं ऑलरेडी परफॉर्मा बना चुका हूँ कि आप वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल और पेमेंट ऑफ ऑर्डर बनाया। ठीक है, अभी स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना वो बता देता हूँ मैं। देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रिजोल्यूशन, आप रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म आप देखे रहेंगे जब आप 12th स्टैंडर्ड में थे, उसमें क्या होता है, सेम यही होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर आपका असेट बेच के आपकी लाइब्रेरी को पे करना है। लाइब्रेरी पे करने के बाद आपके पी जो होते हैं पार्टनर, उनको पे करना है। तो इसलिए बोला कि यहाँ पर 3-4 इंस्टॉलमेंट दिया रहेंगे एसेट के, और आपको उस इंस्टॉलमेंट के बेस पे आपको क्या करना है, आपके क्रेडिटर्स लोन्स उनको पे करना है। उसके बाद आपको जो बचते हैं आपको उनके पार्टनर्स को पे करना है, उनके पीएसआर में, और उनके जो भी जो पेमेंट है उनके हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि समय क्या क्या एक्चुअली, मैं टाइम भी लूँगा, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको ये बनाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मैंने ये सब में आपको कैश मतलब कि आपको बनाने पड़े, क्योंकि कैश आपको अवेलेबल है इतने आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैश आपको कॉलम कंपलसरी बनेगा। उसके बाद आपको क्रेडिटर सुनील लोन, सुनील अनिल नील जो भी पार्टनर्स है, क्रेडिटर लोन है, आपको आपको यहाँ पर देख के मिलेगा। देखिए आपको लाइब्रेरी मतलब आपको पे करना है, तो मेरे में ये सब में आपको सिर्फ सुनील लोन दिया है, क्रेडिटर दिया है, और पार्टनर्स को पे करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा। बहुत से सब में आपको ए लोन बी लोन लिखा है, वहाँ पर आपको इनकम टैक्स है, तो जो आपको क्वेश्चन में दिया है वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सेम। तो ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ तीन ही चीज़ था, क्रेडिटर था, सुनील लोन थे, और पार्टनर्स थे, तो मैंने तीन चीज़ लिखा। ठीक है, अब इसको करना कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे देखिए, आपको आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बैलेंस लिखना है। बैलेंस मतलब क्या, वहाँ के उनके बैलेंस दिए रहेंगे। बैलेंस मतलब देखिए यहाँ पे सब में देख लीजिए, देखिए लोन दिया है, क्रेडिटर दिया है, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के अमाउंट, सब पे सब अमाउंट दिए, तो आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे कैश के अमाउंट मिल जाएगा आपको 9600 मिलेंगे, तो आपको एज इट इज़ जो दिया गया वो लिख लीजिए। क्रेडिटर कितना दिया है, 24000 दिया है। उसके बाद आपको सुनील लोन कितना दिया, 21200 दिया है। उसके बाद आपको सुनील अनिल नील के अमाउंट दिया है, 38800 दिया है। ठीक है, 20400 दिया है। एक चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको करना क्या है, बहुत लोग का मिस्टेक था, और मैं मिस्टेक आपको मैं जानबूझ के ही लिखा हूँ, क्योंकि आपका बता दो कि आपका मिस्टेक क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोला कि आपको बैलेंस लिखना है, बट यहाँ पे आपको क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया, रिजर्व, तो जो रिजर्व था ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना अमंग द पार्टनर में, तो मैंने नहीं किया, और आप लोग भी ऐसे ही करते हो। आप क्या करते हो, डायरेक्टली यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हो, बट आपको कैपिटल के साथ आपको जनरल रिजर्व भी ऐड करना है। तो ये जो आपके पार्टनर्स हैं ना, पार्टनर्स, इसमें आपके बैलेंस होंगे जनरल रिजर्व के ऐड होंगे। तो आपके जो जनरल रिजर्व पार्टनर आपको मैं दिखाया था, जो हम लोग दिखे 9600, 5760 और 3840, ये आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको एडजस्ट कैपिटल मिलता है, तो वो जो आपके एडजस्ट कैपिटल है आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 48400, 26160, उसके बाद 29840। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या हो गया, मेन बैलेंस हो गया आपके। ठीक है, यहाँ आपके आप डायरेक्ट ये अमाउंट लिखे चलेगा, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये मैं आपको बताने के लिए, क्योंकि आप गलती करते हो यहाँ पे, आपको जनरल रिजर्व दिया है, सब में आपको ऐड करके पार्टनर मिलना है। ठीक है, तो ये आप समझो कि अभी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, अब हमको ये सबको पे करना है। अब पे कैसे करना है वो मैं बताता हूँ मैं आपको।
सबसे पहले आपको पेमेंट करना, ये इस चीज़ का पेमेंट करना, रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको हमेशा सब में दिया रहता है, उसको पे करना पड़ता है। बहुत लोग कन्फ्यूज होता है कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया रहता है और ये इसमें क्या करना है। अब क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। पहले देखिए, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है एस्टीमेटेड, हमने इतना एस्टीमेटेड किया था कि 4000 रुपया इतना एक्सपेंस होगा, बट बाद में क्या हुआ, एट द एंड ऑफ डे क्या हुआ, हमको पता चला कि ना जो 4000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना, अब वो 3000 का हुआ है, तो 1000 क्या अपना प्रॉफिट है क्या? नहीं, वो पेमेंट हम पे कर सकते कि नहीं, क्रेडिटर को, लाइब्रेरी को हम पे कर सकते ना, तो पे करेंगे, तो वो बताऊंगा कैसे समय करना है। ठीक है, अभी हम देख लेते, अब आगे बढ़ते। ठीक है, उसके बाद हम देखते कि देखिए बैलेंस का मैं अमाउंट लिख दिया। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बोला कि आपको 4000 पेमेंट करना है किसको, रियलाइजेशन एक्सपेंस को। आपके पास बैलेंस है 9600। ठीक है, आप देखिए, आप यहाँ पे लिखना है आपको लेस। ठीक है, लेस लिखना है आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या लिखना है आपको? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे आप एक एक करके लिखते रहिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 4000 दिए। ठीक है, 4000 देने के बाद आपके पास बैलेंस कितना बचा? 9600 माइनस 4000, 5600 बचा। ठीक है, एक आपका काम हो गया कि रियलाइजेशन एक्सपेंस हमने पेड कर दिए। अब आगे बात आती है क्रेडिटर की, बात आती है। ठीक है, अभी क्रेडिटर कितना बोला? 24000, बट अपने पास बैलेंस कितना है? 5600। फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पे करेंगे। कैसा करना देखिए आप, यहाँ पे लेस क्रेडिटर लिखिए। ठीक है, लेस क्रेडिटर लिखिए आप कितना है, 5600 लिख लीजिए। अब 24000 में से 5600 गया तो कितना बचा? देखिए 24000 में से 5600 गया तो कितना बचा? 18400 बचा। ठीक है, अब हमने अब हमारे पास बैलेंस कुछ भी नहीं है। अब बैलेंस नहीं है तो अब क्या करना है वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको तीन इंस्टॉलमेंट दिए। ठीक है, तीन इंस्टॉलमेंट के बेस पे आपको क्या करना है, आपके क्रेडिटर को पे करना है, लाइबिलिटीज़ को पे करना है और पार्टनर्स को पे करना है। तो हमारे पास अभी एक भी रुपया नहीं है कैश अभी अवेलेबल ही, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 61280 का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फर्स्ट रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन इंस्टॉलमेंट बोलते हैं लोग, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अभी कितना अमाउंट आपका है, 61280। ठीक है, अब हम 61280 को ये पे कर सकते हैं, तो इसको पे कर लीजिए पहले। लेस क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर लिखिए आप कितना है, 18400। ठीक है, आप हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या बोला यहाँ पे, 61280 माइनस 18400 कितना आया, यहाँ पे आया बैलेंस कितना है, 42880 आया। यहाँ पे नील हो जाएगा, आपका एक काम हो गया, क्रेडिटर पे हो गया आपका। आप देख सकते हो टेक्स्टबुक में, आप टेक्स्टबुक के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे टेक्स्टबुक में आपको एक एक करके पे किया, बट आपको सम ऐसा करोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सुनील लोन के पास, बढ़ते सुनील लोन। ठीक है, सुनील लोन बढ़ते के बाद देखते हैं हम। ठीक है, सुनील लोन देख लीजिए, सुनील लोन में कर दिया हूँ। सुनील लोन को क्या करना है आपको, सुनील लोन को भी पे करना है। तो सुनील लोन में 21200 है, तो हमारे पास बैलेंस है 42880। तो हम लोग को क्या करना है, 21200 को पहले पे कर देना। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे मेरे पास बैलेंसिंग फिगर इतना आया, ये सब आपका बैलेंस है, तो अपने पास बैलेंस इतना है और इसको पे कर दे तो इसका नीला अमाउंट हो गया। सुनील अनिल नील की बात करें, ठीक है, सुनील अनिल नील को क्या करना है, अभी तीनों को भी पे करना है। तीनों में से पहले किसको पे करें वो चीज़ देखने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप देख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल जो आपको दिया था, मैं आपको बनाया था। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये देख लीजिए। देखिए पहले क्या बोला, नील, उसके बाद आपको सुनील अनिल नील, लास्ट में पेमेंट किसका बचा आपको, ये तो आप इसको देखिए, ये इसको पेमेंट करना है। उसके बाद आपको क्या, किसको पेमेंट करना है, लास्ट के जो बैलेंस के किसके बचे, ये और इसके बचे, तो सुनील और नील को पे करना है। थर्ड आपको क्या करना है, तीनों पार्टनर को रेशियो में बांट देना। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको पे नील को, नेक्स्ट सुनील नील, उसके बाद बैलेंस टू ऑल। ठीक है, हम करते अभी नील की बात ही, तो हम लोग क्या लिखे, पे नील। ठीक है, अमाउंट कितना था, 10480 था। ठीक है, 10480, उससे कॉलम लिख दूंगा 10480। ठीक है, अब मैंने इसको माइनस कर दूंगा, 21680 था, माइनस किया 10480, कितना हुआ,
11,200 मेरे पास बैलेंस बचा, इसके बाद यहाँ पे कितना बचा 29,840 माइनस 29,840 10,480, ठीक है। यहाँ पे आपका बैलेंस आया, ये आपको माइनस करना पड़ेगा 29,840 में से, ये माइनस हो तो कितना आया था 29,840 में से माइनस क्या 10,480, ठीक है। कितना आया आपका बैलेंस है 19,360। ये आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं आपको बताने के लिए गया था, तो ये आपका एक्चुअली बैलेंस है, ठीक है। 19,360 आपने पास बैलेंस अभी बचा, ठीक है। अब सेकंड क्या बोला है कि इसको पेमेंट करना बोला, देख लीजिए आप 4,800 सुनील और नील को पे करना है, ठीक है। दोनों अमाउंट को मैं ऐड कर लेता हूँ, 4,800 प्लस 1,920 बैलेंस है 6,720। 6,720 से पे कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना, तो लेस किसको किसको पे करना है, सुनील एंड नील, ठीक है। 6,720, ठीक है, हो गया 6,720। 11,200 में से 6,720 में माइनस किया तो मेरे पास बैलेंस फिगर बचा है 4,480 बचा है, ठीक है। जो 6,720 था इसमें दो लोग का था ना, एक का था सुनील का, कितना था सुनील का 4,800 और 1,920 था, ठीक है। आप देखते लीजिए ये दोनों अमाउंट का था, दोनों अमाउंट को टोटल कर दिया, ये अमाउंट इससे माइनस कर दिया तो ये अमाउंट आया। अब ये अमाउंट इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, 48,400 दिया है माइनस 4,800, कितना बचा बैलेंसिंग फिगर आपके पास 43,600, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए 29,840 में अपने पास अभी बैलेंस इतना बचा था, तो अभी इसमें मैं माइनस करूँगा 19,360 माइनस 1,920, देखिए आपके पास बैलेंस अभी बचा 17,440, ठीक है। ये आपके बैलेंस आए। आप थर्ड क्या बोला है कि थर्ड को पेमेंट देखना है, तो थर्ड देखिए थर्ड के लिए क्या बोला है, जितना बैलेंस बचा उसको क्या करो, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा है 4,480 लेस पेट ऑल इन पी एस आर आपको दिया है 5,388,210। तो आपको बेसिकली इजी बता दो पी एस आर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, आपको पता होगा तो आपके अच्छा है। 4,480 लिखा है तो क्या किया आप, डिवाइड बाय कितना बोला है 10, डबल इंटू कर लीजिए 5, पहले को कितना देना 2,240, उसके बाद आपको 3 दबाना है, इस पर करना है तो आपको 1,344 करना है, 2 दबाना है आपको, आपका अमाउंट आ जाएगा 896, ठीक है। 896 आया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस कर देना है 4,480, आपके बैलेंस यहाँ पे नील हो गए क्योंकि ये हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना था और पार्टनर में नील हो गए। अब हमको क्या करना है, हमारे पास बैलेंस था 43,600 माइनस 2,240, कितना है 41,360 वापस 26,160 माइनस 1,344, कितना हुआ आपका 24,816, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे बैलेंस आया 17,440 माइनस 896, आपका बैलेंस आया 16,544। आप देख सकते हो टेक्स्टबुक में आपके आंसर, देखिए 41,360 24,800 यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे क्या किया, इसने लेंदी नहीं किया, यहाँ पे एक ही में माइनस कर दिया, बट हमको ऐसा करने देगा एक एक करके पे करने, तो आपको इससे अंडरस्टैंडिंग हुई, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है कि टेस्ट बुक में आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे रहे थे, तो आपको इसलिए समझ में नहीं आता कि कैसे पेमेंट करना है। बट आप देखो एक एक करके पे करना है आपको, आपको कुछ करना नहीं यहाँ पे, जो जो अमाउंट है आपको एक एक करके करके पे करना है। देखिए आपको यहाँ तक पूरा पे हो गया। अब हमारे पास अभी भी क्या है, दो इंस्टॉलमेंट है। अब मैंने क्या बोला, ये पेमेंट होने के बाद आपको क्या करना है, अभी आपको इसके बाद तो ईजी हो गया, कुछ करना नहीं आपको। अभी देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखी हम लोग ने, अब यहाँ पे लिखिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड रियलाइजेशन लिख दीजिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख दीजिए, ये आपके मेन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपके 28,720 बोला है, क्या लिखिए आप 28,728। अभी किसको पे नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको पी एस आर में पे करना है, तो लेस पेट
ऑल इन PSR 5:3:2 10 हो गया वापस इजीली आपको क्या करना है 28,720 डिवाइड बाय 10 डबल इनटू 5 यहाँ पे पैर सुनील में लिख लीजिए 14,360 उसके बाद 3,86,162,574 ठीक है वापस आपको क्या करना है माइनस कर देना है किसमें से माइनस करोगे ये आपका बैलेंस आते रहेगा यहाँ इसमें को आपको इसमें से नहीं माइनस करना जो आपका बैलेंस आते रहेगा इससे माइनस को माइनस करना ठीक है 41,360 में से आपको माइनस हुआ 14,360 तो आपका बैलेंसिंग फिगर आया 27,000 उसके बाद आपका ये 24,816 माइनस 8,616 ठीक है 16,200 आया 16,544 माइनस 5,744 माइनस के तो आपको क्या आया 10 ठीक है ये आया आपको देख सकते हो सेम टू सेम अपना अमाउंट आ रहे हैं ठीक है अब जो मैं आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे आपका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है 4,000 और 3,000 का बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि 4,000 3,000 में क्या करना है यहाँ पे हम लोग ने 4,000 को क्या करे पहले पे करे कि नहीं बट बाद में क्या पता चला कि हम लोग को कि 3,000 का एक्सपेंस हुआ था तो 1,000 कहाँ गया 1,000 हम लोग लेंगे ना अभी वो कहाँ पे मिलेगा आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट जब आप लिखोगे ना तो उसमें आप ऐड कर लीजिए 1,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस हमने वहाँ पे पहले 4,000 माइनस किया था बट 1,000 का अभी भी हमको एक्सेस प्रोविजन फॉर एक्सपेंस मिला है तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे ठीक है ठीक है अब यहाँ पे आपको क्या करना थर्ड रिलेशन लिखना है यहाँ पे लिख दीजिए आप थर्ड रिलेशन ठीक है थर्ड रिलेशन में आपको अमाउंट लिखेगा 21,000 लिखा है आपको 21,000 लिखा है 21,000 आपको लिखना है यहाँ पे 20,000 लिखना है 20,000 के बाद आपको क्या लिखना है मैं आपको बोला ऐड करना है क्या चीज़ ऐड करना है एक्सेस का जो आपका था ना प्रोविज़न था आपका एक्सेस का प्रोविज़न था 1,000 रुपया था रिलेशन का तो हम लोग को टोटल करना है 21,000 ठीक है यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से मैं वापस बता देता हूँ आपको हमने इतना एस्टीमेट किया था बट हमको पता चला एक्चुअल हमारा इतना हुआ था तो 1,000 अपने पास अभी भी बाकी था तो हम लोग ने अभी हम लोग को क्या करें हम लोग ने उसको ऐड किए हम लोग उनको PSR में हमको बांट देंगे पार्टनर्स के ठीक है अब हम क्या करेंगे 21,000 अपने पास अवेलेबल बैलेंस बचे 21,500 में से हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे पेट ऑल इन PSR ठीक है 21,000 कर दिया यहाँ पे आपका बैलेंस नहीं लाया 21,000 को आपको सेम करना है 21,000 डिवाइड बाय डबल इनटू करोगे आप उसके बाद आपको 5 है यहाँ पे आपको लिखना है 10,500 3 है 6,300 2 है 4,200 ठीक है आपको ये आपको अमाउंट माइनस कर देना है 27,000 माइनस 6 ठीक है 16,200 माइनस 6,300 9,900 108 माइनस करना है 42 आया 6,600 ये जो आपका अमाउंट है ये अभी तक अनपेड है इसलिए हम लोग लिखेंगे अनपेड बैलेंस ठीक है अभी देखिए यहाँ पे आपको अनपेड ये आपका सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या मेन रीज़न क्या है बहुत लोगों का डाउट भी रहता है कि यहाँ पे प्रो डाटा जो रेशो निकालते क्यों निकालते क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही लोन देता सुनील लोन देता बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोला गया कि सुनील लोन भी है अनिल लोन भी है तो क्या होगा यहाँ पे सुनील और अनिल लोन का जो हम लोग क्या करेंगे जो अमाउंट है ना हम लोग सेम टू सेम रेशो में बांटेंगे क्यों बांटेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने किसी से उधार लिया ठीक है आपने किसी से 10,000 रुपये लिया है एक आपने फॉर एग्जांपल ए और बी है ठीक है आपने ए से 10,000 रुपये लिया बी से भी लिया 1,000 रुपया उनको आपको पे करना है तो आप ए को पे करोगे क्या नहीं क्यों 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 क्या प्रॉब्लम क्या होगा क्योंकि आपको दोनों को पे करना है क्योंकि एक एक करके थोड़ा पे करना पड़ेगा आपको ऐसा सोचोगे एक को पहले पे कर दो एक को बाद में पे कर दो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये क्या होता है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में केस में क्या होता है आपको क्रेडिटर जो होते हैं ना आपको साथ में प्रो रेटा जो रेशियो होता है उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है जैसे कि आप 10,000 था इनका बाकी था 10,000 इसका भी बाकी था तो हम लोग क्या किए 10,000 को हम लोग क्या किए 2,000 इसको भी दीजिए 2,000 इसको भी दीजिए तो उन लोगों को क्या हुआ सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ 2,000 हमको रिक्वायर हो गया है ऐसा होता है ठीक है आपको प्रो डाटा में देखना है क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ सम कोई होगा सब मैं दिखा देता हूँ
सब में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे लिखा प्रो रेट, ठीक है, प्रो राटा लिखे ना, प्रो राटा मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो इसने क्यों लिया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रो राटा मिल जाएगा आपको सब में। बैंक ओवरड्राफ्ट है और क्रेडिटर को पे करने के लिए किया, देखिए यहाँ पे ये रेशो निकाला, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर को पे करने के लिए इसने क्या किया है, रेशो में डिवाइड कर दिए। यही होता है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो अमाउंट आपका है 21,000, जो आपका अमाउंट था 13,000 ये लेस था, यहाँ पे आपको लेस ऑफ प्रोविजन जो आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस था वो आपको माइनस किया। यहाँ पे देखिए बैलेंस ऑफ बैंक एंड क्रेडिटर प्रो राटा इन द रेशियो ऑफ बैलेंस 32,500 11,400 और रेशियो क्या बोला है, इतना बोला है, तो ये अमाउंट हम लोग ने क्या करे बांट दिए थे, ठीक है। तो ये करना पड़ता है और कुछ है नहीं, डिफिकल्ट नहीं, आपको 15 मार्क आपको स्कोर हो जाएगा, तो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन के मार्क्स रहेंगे यहाँ पे ज़्यादातर आपको 5-6-7 मार्क्स पे मिलेंगे और 5-6-7 मार्क्स पे मिलेंगे और 1-2 मार्क आपको इस पे मिलेंगे। तो बेसिकली आपको 15 मार्क का समय और आपको मिनिमम आप कुछ तो कुछ करके आओगे, मिनिमम अटेम्प्ट भी करोगे एटलीस्ट इतना तो आप फाइंड आउट कर पाओगे, तो आपको 15 में से आपका 6 मार्क्स सिक्योर हो गया और ये तो बहुत ईजी है, ये पे आपका 2 मार्क्स सिक्योर हो गया, तो मिनिमम आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। और एटलीस्ट आप इसको भी करिए क्योंकि मिनिमम आपको ना 15 में से आपको 12-13 मार्क्स स्कोर करना ही करना है, और आप करोगे तो आप पास भी हो जाओगे। और क्योंकि अकाउंट में क्या होता है कि आप साल भर पढ़ाई नहीं करते हो और सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ाई करते हो, तो ये ना हो, इसलिए मैं वीडियो स्मूथली बनाया हूँ, थोड़ा टाइम लगाए बट आपको वीडियो समझ में आए, इसलिए मैं आपको लेंदी लिया हूँ। आई होप आप वीडियो स्टार्ट टू एंड देखिए, कुछ भी आपको कुछ क्वेरीज लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दिए तो उसका मैं आप सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि उनको भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।